एक दिन कर लो तुलसी की जड़ का ये उपाय और 7 दिन बाद आपका घर होगा अपना। एक तुलसी की जड़ आपके अपने घर का सपना पूरा कर सकती है और आप अपने सपनों का महल बनवा सकते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, या खुद बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार ने कहा है कि अगर आप अपने घर का मकान या प्लॉट लेना चाहते हैं तो केवल तुलसी की जड़ का यह उपाय करने के बाद 7 दिन में ही आपको इसके परिणाम दिखाई देने लगेंगे। तो आखिर ऐसे कौन से चमत्कारी उपाय बताए हैं बागेश्वर धाम की बालाजी सरकार ने, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, अपने घर का सपना हर किसी का होता है। हर कोई चाहता है कि भले ही छोटा सा हो लेकिन उसका अपने घर का मकान हो। लेकिन आज की महंगाई में एक मकान खरीदना तो दूर की बात है, हम खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन इसी सपने को पूरा करने के लिए हमारे बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार ने एक ऐसे अचूक उपाय बताए हैं जिसे करके आप अपने घर की मनोकामना पूर्ति कर सकते हैं। अपने एक दरबार में गुरुजी ने अपने भक्तों से कहा कि आज के समय में अपने सर पर खुद की छत होना सबसे ज्यादा खुशनसीबी की बात है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें फुटपाथ पर सोना पड़ता है और कई ऐसे हैं जिन्हें किराए के घर में बार बार ठोकरें खानी पड़ती हैं। तो ऐसे कौन से उपाय किए जाएं जिनकी मदद से उनके सभी भक्त अपना खुद का घर ले सके। तो गुरुजी कहते हैं कि जल्द से जल्द अपना खुद का मकान बनवाने में तुलसी की जड़ सभी की मदद कर सकती है। तो आपको करना क्या है कि किसी भी हरी भरी तुलसी की थोड़ी सी जड़ लें। ध्यान रहे कि तुलसी की जड़ जो है वो अपने आंगन की तुलसी की जड़ की नहीं लेनी है। तो आप किसी मंदिर की तुलसी की जड़ लेकर आए या फिर आप बाजार में नर्सरी से जाकर तुलसी की जड़ को लेकर आ सकते हैं। और तुलसी की जड़ को लेकर आकर उसे आपको गंगा जल से पहले नहलाना है और उसे शुद्ध करना है। उसके बाद इसे एक कटोरी में लाल कपड़े के ऊपर रख कर मंदिर में रख देना। अब आपको यह सब शुक्रवार के दिन करना है और अब इस तुलसी की जड़ का आपको पूजन करना है। इसके लिए आपको हल्दी, रोली और चावल लेने हैं और महालक्ष्मी और विष्णु भगवान का ध्यान करके तुलसी की जड़ का पूजन करना है। अब पूरे दिन इसे घर के मंदिर में रखे रहेंगे। अगले दिन सुबह उठकर नहा धोकर तुलसी की जड़ को एक लाल कपड़े में बांधकर या तो चांदी के ताबीज में डालकर अपने गले में पहन लें। और ये ध्यान रहे कि ये उपाय घर के मुखिया को ही करना है। इसी के साथ अगर आपको धन से जुड़ी हुई परेशानी रहती है या फिर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, आप अपने घर में धन संपदा की बरकत करना चाहते हैं, तो शुक्रवार वाले दिन आपको एक उपाय करना है कि शुक्रवार के दिन तुलसी की जड़ को आपको घर में लेकर आना है। इस तुलसी की जड़ पर थोड़ा सा सिंदूर लगाना है। सिंदूर के साथ इस पर 2 लौंग रखें और इन सभी को किसी चांदी की डिब्बी या लाल कपड़े में बांध दीजिए और कम से कम 1 माला महालक्ष्मी के नाम की जपें और इस पोटली पर फूंक मारकर उसे बंद करके अपने घर के जो कमाने वाले सदस्य हैं उसके पर्स में रख दीजिए। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय से इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे और बहुत जल्द देखते ही देखते आपका घर का मकान का सपना भी पूरा हो सकता है। इसी के साथ घर की महिलाओं को हर रोज तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए। माना जाता है कि जिस घर में मुख्य दरवाजे पर तुलसी का पेड़ होता है उस घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी भी प्रवेश नहीं करती। माता लक्ष्मी उस घर पर हमेशा अपनी कृपा आशीर्वाद बनाए रखती है। इसी के साथ अगर आप तुलसी की जड़ को दीपावली वाले दिन पूजन करके अपने घर के मंदिर में या फिर अपनी तिजोरी में रखते हैं तो भी आपके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं होती और माता लक्ष्मी उस घर को छोड़कर कभी नहीं जाती। तो दोस्तों, ये थे बागेश्वर धाम के बताए हुए वह तुलसी की जड़ के वो अचूक उपाय जिन्हें करने से आप अपने घर में सभी परेशानियों को बाहर कर सकते हैं और माता लक्ष्मी खुद आपके घर में अपनी कृपा और आशीर्वाद को बनाए रखेंगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरुजी के बताए हुए ये उपाय आपको जरूर पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो की जानकारी सभी लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी हमने इंटरनेट के माध्यम से ली है, इसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। इस वीडियो का मकसद केवल आप सभी को पूरी जानकारी देना है, न कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो।